देखो यार, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि OB47 अपडेट के बाद हमें गेम के अंदर दो बहुत बड़ा और मेगा इवेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें हमें पहले विंटर इवेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो यार, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इस विंटर इवेंट को इतना बड़ा किया जाएगा कि इसके थीम पे हमें एक न्यू लेजेंडरी बंडल, न्यू लेजेंडरी फिस्ट स्किन और भी बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। लुक चेंजर, अब यार मैं तुम्हें ट्रेलर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देख लो कैसा है। अब इन तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, न्यू लेजेंडरी बंडल, न्यू लुक चेंजर, न्यू फिस्ट स्किन, इन सब के बारे में। एक बात, ये इवोल्यूशन बंडल नहीं होगा, इवो बंडल अलग होगा और ये होने वाले हैं लेजेंडरी बंडल, तो ये इसको इवो बंडल आप लोग मत समझना। इसके साथ बात करेंगे नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आपको गन स्किन देखने को मिलेंगे। इवेंट डेट दोनों ही कंफर्म हो गया है। बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम में नेक्स्ट फेडर रूल इवेंट के बारे में। बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम में नेक्स्ट मोकोस्टर इवेंट के बारे में। बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम के अंदर बुइया डे इवेंट स्पेशल, बुइया डे का जो इवोल्यूशन बंडल है वो रिटर्न के बारे में, क्योंकि इसको बैक दिया जा रहा है अपने रिंग इवेंट के जरिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कमाल के अपडेट्स मिलेंगे आज के स्टूडियो के अंदर। तो आओ मैं वीडियो को शुरू करता हूं, आप लोग बस देखते रहो, क्योंकि देखो और बाकी कुछ और भी अपडेट्स मैं आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में पता चला है, जहां पर आपको स्पिन करने के बदले में बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है फर्स्ट फन, यहां आपको साइन अप करते ही ₹50 का साइन अप बोनस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, आपको पहले 2000 यूजर को ₹2000 का बोनस देखने को मिलेगा, जो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ले सकते हो। और यहां आपको फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पर 100% बोनस भी देखने को मिलेगा। इस ऐप में डेली यूजर ₹1,00,000 कमा रहा है। अभी जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके जल्दी डाउनलोड करो और लूट लो इस ऐप को। अब देखो यार, जो भी बाकी जानकारी मिलने वाले हैं वो तो आगे आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करके जो मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं वो है अपने बुइया डे इवेंट स्पेशल, एक न्यू लेजेंडरी बंडल का, जो कि आप लोग सिंपली यहां पर देख पा रहे हो। न्यू नहीं है, इवेंट नया है, और इवेंट भी मैं नया कैसे कहूं भाई, वही घिसा पिटा रिंग इवेंट है। तो खैर, जो भी हो गाइस, आपको यहां पर बुइया डे का जो इवोल्यूशन बंडल है इसको बैक दिया जा रहा है। देखो, ऐसे बहुत सारे सर्वर है जहां पर बुइया डे इवेंट को चलाया जा रहा है, मतलब ये एक ऐसा इवेंट है, ये बुइया डे का इवेंट, जो कि ऑलमोस्ट सारे सर्वर के अंदर चलता है। बाहर के सर्वर के अंदर ये चलता है, थोड़ा सा पहले आते हैं वहां पर, अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये थोड़ा सा बाद में आते हैं। लेकिन जो भी हो, इस वाले बुइया डे इवेंट को करने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे सर्वर के अंदर अवेलेबल कराते हैं, और फिलहाल अपने गेम के अंदर बुइया डे का इवेंट चल रहा है। अब देखो, जिस सर्वर में ये पहले आया था वहां पर फाइनली उसका जो इवोल्यूशन बंडल है उसको भी बैक दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो। आपको बंडल देखने को मिला है, फिस्ट का स्किन देखने को मिल चुका है, लूट बॉक्स स्किन, इमोट, बैकपैक स्किन, गाड़ी का स्किन, ये सारा कुछ अपने रिंग इवेंट के अंदर डाला गया है। कुछ रिवॉर्ड्स को रिंग इवेंट के फ्रंट में रखा गया है और बाकी के रिवॉर्ड्स को स्टोर के अंदर डाला गया है, ताकि आप लोग टोकन के द्वारा एक्सचेंज कर सको। देखो, आगे जाकर आपको अपने गेम में कुछ और इवोल्यूशन बंडल देखने को मिले या फिर ना मिले, लेकिन एक चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है अपने बुइया डे स्पेशल इवोल्यूशन बंडल का। लीक्स के अनुसार अगर माने तो भाई, जबकि इसको अदर सर्वर के अंदर ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो एक पॉसिबल चांसेस ये बन जाएगा कि आपको आगे जाकर अपने गेम में बुइया डे का बंडल बैक देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे एक वजह भी है, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। देखो, बात कुछ ऐसा है कि फिलहाल और कुछ अदर इवोल्यूशन बंडल बैक आने का इवेंट है नहीं, स्कॉर्पियो का इवेंट चल नहीं रहा है कि उसका बंडल बैक दिया जाए, और कोबरा बंडल तो वैसे ही बैक आएगा नहीं। अब देखो, और बचता है सिर्फ बुइया डे का इवोल्यूशन बंडल, क्योंकि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का जो इवेंट है वो इस तरीके से नहीं चल रहा है कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का बंडल को बैक दिया जाए, मतलब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का इवोल्यूशन बंडल को बैक दिया जाए। तो इसलिए जब कुछ भी बंडल का इवेंट वगैरह हमारे नजर में नहीं आ रहा है, किसी भी बंडल के लिए अलग अलग इवेंट को गेम के अंदर नहीं चलाया जा रहा है, चल रहा है सिर्फ बुइया डे का इवेंट, एंड उसी के बंडल को बाहर के सर्वर में ऑलरेडी गर्नरों ने बैक करा दिया है, तो यहाँ पर उम्मीद भी यही है और चांसेस भी यही है कि आपको अपने गेम के अंदर बुइया डे का बंडल बैक देखने को मिल जाए। मैंने इस अपडेट को थोड़ा सा क्लियर तरीके से आपको समझाया, ताकि आप लोगों को पूरा एक्चुअल रीजन समझ में आए कि क्यों हमको बुइया डे का बंडल बैक देखने को मिल सकते हैं। बट रेयर बंडल तो ये भी है, बहुत पहले गेम के अंदर आया था, सो भाई इसको बाय करने के लिए तकरीबन आप लोग को 3000 से ऊपर डायमंड खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि आपको रिंग इवेंट के अंदर ये मिलेगा, बट ये टोकन एक्सचेंज करने पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को लगातार स्पिन करने की जरूरत नहीं है, टोकन के द्वारा आप लोग इसको एक्सचेंज भी कर पाओगे। तो ये हो गया इवोल्यूशन बंडल के ऊपर अपडेट कवर। अब इसके साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ते बात करते आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में या फिर नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो दरअसल गाइस, यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम में नेक्स्ट मोकोस्टर इवेंट के बारे में। आपको सिंपली यहां पर मैं रिव्यू करा दे रहा हूं, आप लोग गाइस यहां पर देख पा रहे हो कौन कौन से रिवॉर्ड्स को यहां पर डाला गया है। सबसे पहले गाइस, आपको यहां पर अपना न्यू FFWS स्पेशल जो इमोट को डिजाइन किया गया है, यानी कि फ्लैग इमोट को, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। एक बंडल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी कुछ और भी रिवॉर्ड्स को इसके अंदर डाला जा रहा है गाइस। जैसे कि अपना जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का इवेंट के थीम पे पहले इमोट को डिजाइन किया गया था, उस वाले इमोट को भी यहां पर आपको मोकोस्टर इवेंट के अंदर डाला गया है। यूनिवर्सल टोकन का क्रिएट वगैरह दिया जा रहा है, एंड कुछ गन स्किन वगैरह को यहां पर ऐड किया गया है बोनस प्राइज में, और एक बहुत बढ़िया सा शानदार वाला बंडल आपको यहां पर फीमेल बंडल जो है देखने को मिल जाएगा। देखो, इस तरीके से मोकोस्टर इवेंट निकल कर आ रहा है। अब गाइस, इसके अंदर जो बाकी के रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसको हम साइड करते हैं। आप लोग गाइस यहां पर एक्चुअल मेन इमोट देख पा रहे हो, जिसको अपने फेडरल इवेंट के अंदर भी दिया गया है, कुछ कुछ सर्वर के अंदर कहीं पर इसको मोकोस्टर में दिया गया है, जिसका मैं आज रिव्यू कराया हूँ, और कहीं पर इसको अपने रिंग इवेंट के अंदर भी डाला गया है। मतलब तीनों इवेंट को मिलाकर इस वाले इमोट को दिया जा रहा है, तीनों इवेंट के अंदर दिया गया है अलग अलग सर्वर में। लेकिन गाइस, यहां पर हम बात करते हैं हमको ये जो इमोट है अपने सर्वर के अंदर किस में देखने को मिल सकते हैं।
देखो अपने सर्वर के अंदर आपको ये अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को तो नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर दो ही इवेंट बचता है, एक है अपना फेडरविल और दूसरा है अपना मोकोस्टर इवेंट। अब देखो और पॉसिबल चांस दोनों में किसी भी इवेंट के अंदर करना पहले दे, लेकिन जिस पे भी आपको दे आपको डायमंड बिल्कुल सेम खर्च होगा 1100 डायमंड। लेकिन बस आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि देखो ओबी 47 का जो अपडेट आएगा 4 दिसंबर को, उसके पहले पहले आपको ये इमोट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, भले ही ये अपने फेडेड व्हील में आए या फिर अपने मोको स्टोर के अंदर आए, लेकिन जहां पर भी आए 4 दिसंबर से पहले पहले ये इमोट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। जिनको भी न्यू वाला फ्लैग इमोट बाय करना है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट स्पेशल, आप लोग डायमंड वगैरह जमाना शुरू कर दीजिए, 1100 डायमंड खर्च होने वाले इस वाले इमोट को बाय करने के लिए। अब इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते बात करते आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट इवेंट के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले एक न्यू रिंग इवेंट के बारे में। एक्चुअल में गाइस आप सभी को मैंने एक बात कहा था कि देखो यार गन स्किन को लेकर एक रिंग इवेंट बहुत जल्द हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ फिलहाल गन स्किन कन्फर्म नहीं हुआ है, बट जैसे ही आगे जाकर गन स्किन कन्फर्म कर दिया जाएगा सो मैं उसके बाद आपको गन स्किन का रिव्यू करा दूंगा। अब फिलहाल कन्फर्म हो चुका है गन स्किन, तो मैं तुम्हें यहाँ पर उस वाले रिंग इवेंट का रिव्यू दिखाना चाहता हूँ जो कि तुमको आगे जाकर अपने गेम में देखने को मिलेंगे। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो, आप लोगों को ग्रोजा गन के साथ अपना जो वुड पिकर गन स्किन है इन दोनों मिलाकर को आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू रिंग इवेंट डाला जाएगा। अब इसका डेट क्या होने वाले है, 14 नवंबर। जी हाँ गाइस, आप लोग को नवंबर मंथ के 14 तारीख के दिन ये वाला इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइस आपको वुड पिकर गन स्किन बैक देखने को मिलेगा और ग्रोजा गन का स्किन बैक देखने को मिल जाएगा। बट देखो यहाँ पर जो ग्रोजा दिया जा रहा है ये किसी अदर गन स्किन नहीं है, ये स्क्वाड बीट्स इवेंट स्पेशल डिजाइन किया गया था और स्क्वाड बीट्स इवेंट के थीम पे जो ग्रोजा को डिजाइन किया जा रहा था उसी को यहाँ पर बैक दिया जा रहा है। बाकी गाइस आप लोग यहाँ पर रिव्यू वगैरह देख पा रहे हो किस गन के अंदर क्या कुछ आपको एट्रीब्यूट वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा आपको बढ़िया गन स्किन यहाँ पर जो देखने को मिलने वाले, तो वुड पिकर भी बहुत सारे भाई लोग गेम के अंदर चलाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर वुड पिकर गन स्किन बैक आ जा रहा है और कुछ भाई लोग यहाँ पर ग्रोजा एक्स को भी चलाते हैं एयर ड्रॉप से लूट करके, तो उनके लिए ग्रोजा गन स्किन बैक आ रहा है। अगर किसी के पास ग्रोजा गन का बढ़िया स्किन वगैरह नहीं है, वुड पिकर का बढ़िया स्किन नहीं है, तो आप लोग इसके अंदर जो स्पिन वगैरह मार सकते हो, मतलब इससे पहले रिंग इवेंट के अंदर आप लोग स्पिन वगैरह मार सकते हो। तो भाई जैसे कि आपको हमने मेरे ओपिनियन के अनुसार ये बात बताया था कि बहुत जल्द आपको अपने गेम में इसे नवंबर मंथ पे गन स्किन स्पेशल एक रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, फाइनली आने वाले है। डेट आज हमने आपको वो भी बता दिया है, बिल्कुल 14 नवंबर के दिन आपको ये इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बताना कौन कौन इसके अंदर स्पिन मारने वाले हो। तो दरअसल गाइस अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट फेडेड व्हील इवेंट के बारे में। अब जैसे कि आपको यहाँ पर मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ अपने फेडेड व्हील इवेंट का, सिंपली गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बढ़िया सा बैकपैक स्किन को यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको कि एक्चुअल में न्यूली डिजाइन किया गया है इस बार ओबी 46 जो अपडेट फिलहाल चल रहा है इसी अपडेट पे थीम पे। अब ये बैकपैक स्किन गाइस आपको कुछ टाइम बाद अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक पर लेवल 3 का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई शायद से इस अपडेट में यानी कि ये ओबी 47 अपडेट में गेम के अंदर से लेवल 1-2 बैकपैक को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लूट करने वक्त लेवल 3 का ही बैकपैक देखने को मिलेगा और आगे जाकर आपको अपने गेम में लेवल 3 बैकपैक का ही सिर्फ स्किन देखने को मिलेंगे, लेवल 1-2 बैकपैक का स्किन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि वाकई में एक बहुत बुरा चेंजेस है, मतलब बहुत बेकार चेंजेस है ये, मुझे बिल्कुल बेकार लगा है। लेवल 1-2 बैकपैक का भी अलग मजा था, उसके अंदर लूट आता नहीं था, लेवल 3 बैकपैक हमें ढूंढना पड़ता था, उसका अलग मजा था भाई, गर्नबल ने रिमूव करके बहुत बेकार करेगा। तो खैर देखो जो भी हो ये वाला फेडेड व्हील इवेंट आपको आगे जाकर अपने गेम में देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ में आगे बढ़ते वीडियो में बात करते आने वाले गेम में न्यू लेजेंडरी बंडल के बारे में। आपको सिंपली यहाँ पर मैं टेलर दिखा दे रहा हूँ न्यू लेजेंडरी बंडल का। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर टेलर देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर टेलर को दिया जा रहा है। देखो इस बंडल के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेंगे, सबसे पहली बात ये बंडल आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, मेल फीमेल बंडल दोनों को मिलाकर आएगा, मतलब ये जो लेजेंडरी बंडल आने वाले ये सिर्फ अकेला नहीं आएगा, मेल और फीमेल दोनों का मिलाकर आएगा। अब इस बंडल के अंदर हमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जरा आओ वीडियो को हम पॉज करके देखते हैं तभी हमको पूरा समझ में आएगा। तो सिंपली गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले बंडल के अंदर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जब बंडल भागता हुआ आ रहा है अपने टेलर के अंदर, इसके अंदर हमें बहुत कुछ बातें जो है पता चल जा रहा है। जैसे ही बंडल भागेगा तो आप लोग को इसके अंदर रनिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ये बात भी क्लियर हो गया, मतलब बंडल के अंदर आपको रनिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम पहले गेम के अंदर एक बंडल आया था उसी के थीम पे इसको थोड़ा सा एक जैसा बनाया गया है, रनिंग इफेक्ट उस वाले बंडल की तरह यहाँ पर दिया गया है, जिस बंडल को मैं यहाँ पर वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर बंडल देख लिया हो। अब देखो जब ये भागा हुआ जाएगा फिर उसके बाद ये फीमेल बंडल बन जाएगा और भाई उसके पहले आपको कुछ इस तरीके से बंडल के अंदर एक जंप इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम ऐसा कह लो एक एनिमेशन के साथ इस वाले बंडल को थोड़ा सा डिजाइन किया जा रहा है। मैं यहाँ पर वीडियो को रुक रुक के आपको दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर फीमेल बंडल बन गया है जब ये भागेगा तो इसके अंदर आपको पीछे से कुछ हवा चलेगा, ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस बंडल का जो एक्चुअल लुक है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले है। यहाँ पर मैं बंडल को पॉज कर रखा हूँ, आप लोग गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार में आपको जो नया वाला बंडल इस बार अपने गेम में देखने को मिलने वाले। अब देखो यार इस बंडल के साथ लीक्स के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि एक न्यू फिस्ट स्किन भी देखने को मिलेगा, नया लुक चेंजर भी देखने को मिलेगा और न्यू लुक चेंजर के साथ उसका जो ऑफिशियल बंडल आता है वो भी आपको दिया जाएगा। तो खैर ये सब कुछ तो हम 15 तारीख के बाद आपको रिव्यू करा देंगे, बिकॉज एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा फिर आपको रिव्यू करा दूंगा। आज वीडियो क्लिप के अंदर जितना हमसे पॉसिबल हुआ है उतना दिखाया है, तो आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी आपको दिखा दूंगा, बट इसको पॉसिबल चांस है कि विंटर इवेंट का टाइम पर इस वाले बंडल को अपने गेम के अंदर दे दिया जाए, मतलब वही जनवरी मंथ आने से पहले पहले। तो खैर इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। तो आओ गाइस बात करते हैं फर्स्ट
फ्रॉस्ट कमेंट के बारे में कि सनी भाई ईवो बंडल कब आएगा वापस फर्स्ट फायर, तो भाई असल में फ्रॉस्ट फायर की बात कर रहा है। तो देखो फिलहाल तो ऐसा कुछ अपडेट्स नहीं है, मैं ईवो बंडल के बारे में आज आप लोग को अपडेट ऑलरेडी दे दिया हूं, तो वो एक्चुअल में था बुइया डे बंडल को लेकर, बट फिलहाल आपको फ्रॉस्ट फायर बंडल बैक देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। भाई ने यहाँ पर कमेंट जो है बंगाली में किया है, लेकिन हम इसको हिंदी में कर लेंगे। तो भाई ने पूछा भाई ये बताओ कि इनक्यूबेटर का M1014 जो गन स्किन है वो कब तक बैक आएंगे, यानी कि रैम्पेज M1014 जो इनक्यूबेटर गन स्किन है वो कब तक बैक आने वाले हैं। फिलहाल तो अपडेट लीक्स नहीं मिला है इसके ऊपर, बट आगे जाकर अगर ये बैक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पेश किया जाए। एक भाई ने ये कहा है कि सनी भाई ये बताओ कि सैमसंग का ग्लूअल स्किन कब आएगा, बाकायदा गुस्सा का इमोज भी लगाया गया है। हाँ सही है, गलती मेरी तो है, मैं ही तो डिजाइन कर रहा हूँ फ्री फायर का ग्लूअल स्किन। कल को मैं सैमसंग का ग्लूअल स्किन लाऊंगा, परसों को तुम बोलो कि वीवो का ग्लूअल स्किन दो, वन प्लस का दो, रियलमी का दो, हर एक चीज का ग्लूअल स्किन आएगा और भी बाकायदा अलग अलग इवेंट्स आएंगे। मैं तो डिजाइन कर रहा हूँ इवेंट, गरना का सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूँ, कैसे मुझे कैसे पता भाई सैमसंग का ग्लूअल स्किन कब आएगा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर गाइस नेक्स्ट कमेंट देखते हैं क्या कहा गया है कि भाई रियलमी ईवो बंडल प्रो प्लस कब आएगा, ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब रियलमी प्रो प्लस ईवो बंडल चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, देखो यार मैं तुम सभी के ना डिमांड रखूँ, तो गरना वालों मैं कल गुजारिश किया था, आज दोबारा से कर रहा हूँ कि प्लीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम ऐसा करो रियलमी का प्रो प्लस वाला ईवो बंडल लाओ, जिसमें बंदे मतलब बंदे को मारने पर रियलमी प्रो प्लस लिख के आए। तो कुछ करो यार, मतलब ऐसे 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 बंडल दो गेम के अंदर, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है अब नॉर्मल में। ये फ्रॉस्ट फायर बुइया डे ये सब क्या है भाई, सब रियलमी प्रो प्लस बंडल चाहिए अभी होलसेल बंडल के रूप में, रियलमी प्रो प्लस। अब आगे एक भाई ने कहा है कि देखो यार भाई साहब सनी भाई इतने साल से कमेंट कर रहा हूँ, आपने मेरा पिक नहीं किया कमेंट की जर्सी रॉयल कब आएगा, 7 दिन तक तो मेरा चैनल बंद था, तो कमेंट कैसे आ रहे थे यार, मैंने तो वीडियो ही अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पर। तो खैर भाई साहब जब तुमने पूछे आपको बता दूं कि जर्सी रॉयल फिलहाल बैक नहीं आने वाले हैं, तो अगर ये आगे जाकर गेम में बैक आएगा आपको बता दिया जाएगा मेरे तरफ से। और भाई साहब मैं आपको मेरी दुख की कहानी क्या ही बताऊं कि मुर्शद जुदाई तो मुकद्दर में थी, मगर वो जाते जाते गालियां भी देकर गई है। और भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि यार अम्मी की बहू नहीं मिल रही है यार, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, नहीं मेरी नहीं है, मैं अपने लिए फिक्र नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। और हाँ देखो आखिर में और एक बात, अब्बास वही होगा जो मेरा दिल चाहेगा, कि देखो अब्बास वही होगा जो मेरा दिल चाहेगा, तो मेरा शादी का दिल चाह रहा है शादी होगा। तो डाउनलोड करना ना भूले फर्स्ट फन, आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ₹50 का बोनस और लकी 2000 यूजर को 2000 जीतेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हो आपको 100% बोनस देखने को मिलेगा, तो जल्दी जाओ डाउनलोड करो, लिंक पिन कमेंट में पिन किया हुआ है। तो खैर भाई साहब सारा बात हमने बता दिया है, देखो बात कुछ ऐसा है कि प्यार मोहब्बत सब एक धोखा है, ये बात जान लो, प्यार मोहब्बत सब एक धोखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मुझे अभी भी मौका है।